ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 7 ये मैंने लिख दी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल सेम आपने इसी प्रोसेस से करना है जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 7 करूँगा। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं, इसमें आप देखते होंगे कि एक तरफ वैल्यू आ रही है एक्स ओवर एक्स माइनस 3 और उसी क्वेश्चन में एक वैल्यू आ रही है एक्स माइनस 3 बाई एक्स। तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है जी। इसमें स्केयर वाली वैल्यू नहीं है कि हम उसे लेट करके हम इसका स्केयर फाइंड कर लें या माइनस है तो उसको डिनोमिनेटर में ले लें। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, उसका एक डिफरेंट मेथड होगा, वो मैं बताने लगूँ तो आप इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। पहले तो आपको 4 को ऑफकोर्स लेफ्ट साइड पर ट्रांसफ़र करना है। सो एक्स ओवर एक्स माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स, इनको तो एज इट इज़ आप लिखें। 4 को लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर करें तो माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हर इक्वेशन को इस पूरी एक्सरसाइज में इक्वल्स टू 0 करना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट की तरफ मैं चलता हूँ, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ। तो उसमें आपने याद रखना है कि आप ना ये मिडल वाली वैल्यू को अगेन लेट करें, जैसे कि मिडल में आ रहा है एक्स माइनस 3 ओवर एक्स, इसको इक्वल्स टू वाई कर लें। और यहाँ भी अब आपने स्केयर नहीं लिखना, आपने लिखना होगा टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, आपने दोनों साइड्स पे इसका रेसिप्रोकल लेने। तो रेसिप्रोकल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि वाई का तो डिनोमिनेटर नहीं है, तो याद रखें जिस नंबर का कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका 1 होता है। तो आप इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे पूरी इक्वेशन का तो एक्स ओवर एक्स माइनस 3 हो जाएगा। वैसे तो ये एक्स माइनस 3 ओवर एक्स है ना, तो जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये उल्टी हो जाएंगी ना, जैसे कहते हैं हम वैल्यूज। तो वाई ओवर 1 को हम लिख देंगे 1 ओवर वाई। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल आ गई और ये दोनों वैल्यूज़ ही हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट हैं। जहाँ पे एक्स ओवर एक्स माइनस 3 है उसकी जगह मैं यहाँ पे 1 ओवर वाई लिख देता हूँ प्लस 4, और जहाँ पे एक्स माइनस 3 ओवर एक्स है उसकी जगह मैं जस्ट वाई लिख देता हूँ, माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इसकी एक फॉर्म बन चुकी है। इसी क्वेश्चन में मैंने सिर्फ एक्स ओवर एक्स माइनस 3 की राइट साइड 1 ओवर वाई लिख दी है और प्लस 4 की जगह प्लस 4 लिखा है, और एक्स माइनस 3 ओवर एक्स की जगह वाई है तो मैंने वाई लिख दिया, माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बाकी सारी वैल्यूज़ वही हैं। यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो एलसीएम से क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में 1 कर दें, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 कर दें, एलसीएम वाई आ गया। 1 को 1 वाई पे एलसीएम में ले लेने को, वाई को वाई पे पहले डिवाइड करेंगे, मैं आपको मेथड बता चुका हूँ उसका। तो आंसर 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 वाई डिवाइडेड बाई 1 से y आ जाएगा, y को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो 4y स्क्वायर हो जाएगा माइनस, सेम इसी तरह y को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर y आएगा, y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये y इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आप जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर खुद बखुद एलिमिनेट हो जाएगा। और इसको आप जो है वो सीक्वेंस में लिख लें, पहले आप 4y स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस 4y लिखेंगे, फिर प्लस 1 लिखेंगे, देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं हम, इन्होंने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए। 4 1 टाइम 4 की मिड टर्म ब्रेक करें कि माइनस 4 वाई आना चाहिए, तो 2 2 टाइम 4 मेरे माइंड में आ रहा है, माइनस 2y और माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब मैं फर्स्ट 2 में से कामन ले लेता हूँ तो वो 2y मुझे नज़र आ रहा है कामन, तो 2 2 टाइम 4 और एक y आ जाएगा, और ये चूँकि पूरी वैल्यू कॉमन आ चुकी है तो माइनस मैं इसको 1 लिख देता हूँ। और इन दोनों में से नेक्स्ट 2 में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस मैं फिर 1 लिख देता हूँ, और फिर साइन चेंज होंगे, सिर्फ 2y माइनस प्लस माइनस वाई। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस वाई, माइनस 1 कॉमन लिया था 2y माइनस 1 आ गया, इसको इक्वल्स टू 0 कर दें। अब नेक्स्ट टाइम में 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये चूँकि दोनों सेम वैल्यूज है तो इन्हें आप लिखते हैं 2y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, चूँकि सेम है तो आप यहाँ पे इनका टेकिंग अंडर रूट कर लें तो ये 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे और अल्टीमेटली 2y इक्वल्स टू 1 हो जाएगा एंड y इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो फर्दर सॉल्यूशन है वो आ चुका है, और इसमें एक वैल्यू बनी है, इसमें दो वैल्यूज़ नहीं बनी, सेम वैल्यूज़ थी तो वो कंबाइन हो चुकी हैं। तो अगले स्टेप में आपको क्या करना होगा कि वाई की ओरिजिनल वैल्यू इसमें आपको पुट करनी होगी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हमें कैसे पुट करना है। वाई की ओरिजिनल वैल्यू आपको लेट वाली
जो वैल्यू वहाँ से मिलेगी, ये लिखा हुआ है, ये वाई की वैल्यू थी असल में। तो अब यहाँ पे वाई की जगह आप लिख देंगे एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे नेक्स्ट इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, टू को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ और एक्स को इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो टू एक्स माइनस थ्री टू टाइम्स सिक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। एक्स को लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर करें तो टू एक्स माइनस सिक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। टू सिक्स को राइट साइड पे ट्रांसफर करें और इन दोनों एक्स को आपस में ऐड कर लें, टू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, और माइनस सिक्स राइट साइड पे ट्रांसफर होकर प्लस सिक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्स का एक ही सोल्यूशन आया है, दैट इज़ सिक्स, ठीक है जी, क्योंकि इसमें हमें दो वैल्यूज़ नहीं मिली, हमने दोनों को कंबाइन करके एक वैल्यू बना लिया था। तो इसका आंसर सिक्स होगा, वो इसको चेक कर लें। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन एट और नाइन है वो फिर आपने इसी मेथड से इनको देख लेना है। एटलीस्ट क्वेश्चन एट जो है वो आप ज़रूर देखें, एट और सिक्स ये दोनों बिल्कुल सेम आपने इस पार्ट की तरह, इस पार्ट की तरह इनको सॉल्व करने, ये दोनों रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी और क्वेश्चन नंबर एट में भी आप पहले वैल्यू मिडल वाली वैल्यू को लेट करेंगे और फिर उसका टेकिंग रेसिप्रोकल लिखेंगे, उसको उल्टा करेंगे तो वो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी। तो बाकी फिर आप इस प्रोसेस को देख लें और इसका सोल्यूशन का आंसर चेक कर लें और वो क्वेश्चन नंबर सिक्स और एट मुझे करके दिखाएंगे।